हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी फ्रॉड हो रही है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में ये बताने वाली हूँ कि दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपके नाम पर कोई और सिम कार्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो सिम कार्ड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद वो जो बंदा है जो आपके नाम पे सिम मतलब ये यूज़ कर रहा है, वो बंदा कुछ भी गलत करेगा, कुछ भी मतलब फ्रॉड करेगा, तो आप फंसेंगे, आप पर FIR भी दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसे इन सब से छुटकारा पाना है तो मैं आपको उस वीडियो में बता देती हूँ कि अगर आपके नाम पे सिम कार्ड चल रहा है तो आपको मतलब नहीं पता है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपके नाम पे कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि आप लोग आधार कार्ड से सिम कार्ड निकालने जाते हैं और वहाँ पे तो दोस्तों आप लोग एक ही सिम कार्ड को निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों जो जो आपका निकालता है वहाँ पे एक और सिम कार्ड आपके नाम से निकाल लेते हैं और उसको किसी और से जाके मतलब वो बेच देता है, ठीक है। और उसके बाद बेच देने के बाद वो बंदा गलत गलत यूज़ करेगा जिसके कारण आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन सब से कैसे छुटकारा पाना है तो मैं आपको इस वीडियो में ये बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है इस अपने मोबाइल में घर बैठे कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और जो सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप लोग को नहीं बंद करना है, ठीक है। और जो सिम कार्ड आप लोग यूज़ नहीं कर रहे आपके उसके बारे में कुछ भी नहीं आता पता है तो आपको उसको आप अपने मोबाइल से ही मात्र 2 मिनट के अंदर में आप लोग यहीं से हमेशा हमेशा के लिए सिम कार्ड को बंद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, ठीक है, कैसे बंद करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल का गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में संचार साथी लिखकर सर्च बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने क्लिक कर दिया हमारे सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फर्स्ट वाले लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले लिंक के ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं हमारे सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह करके आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ऊपर साइड में, जैसे हम लोग ऊपर आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक बैनर देखने को मिल रहा है इस तरह करके। सबसे पहले इस बैनर को हमें स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा धीरे धीरे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रिक्वेस्ट रिसीव, मतलब दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। और दोस्तों नीचे में देखने को मिल रहा है रिक्वेस्ट रिसॉल्व, मतलब इतने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं जो आपके नाम पे है वही मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, कैप्चर कोड देना है, वैलिडेट कैप्चर पे इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर देने के लिए OK के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। OTP को इस बॉक्स में फिलअप करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, तो आइए लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन जैसे हम लोग कर देते हैं उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलती है जहाँ दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल रहा है कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम 1, मतलब दोस्तों कि मेरे नाम पर सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर चल रहा है, ठीक है। अगर आपके नाम पर 2, 3, 4 मोबाइल नंबर चल रहे होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे 3, 4, 2 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो मेरे नाम पे एक ही चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने नीचे में एक और मेरा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे सिम कार्ड है, ठीक है, और उस सिम कार्ड को मैं जानती हूँ और ऊपर वाले जो सिम कार्ड है देखने को जो मिल रहा है ऊपर में जो लास्ट में आपको 36 देखने को मिल रहा है ये सिम कार्ड के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी सिम कार्ड के बारे में मुझे क्या करना है कि इसको बंद करना है, नहीं तो दोस्तों कोई भी बंदा अगर इस सिम कार्ड को चला रहा है और गलत उपयोग किया तो सबसे पहले दोस्तों आप फंसेंगे, आप पर FIR दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस सिम कार्ड को बंद
करना है हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या करना है आपको, उस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। नॉट माई नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, नॉट माई नंबर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिपोर्ट, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको रिपोर्ट की नॉट माई नंबर पर क्लिक करके रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका नंबर यहाँ से बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों कैसे और आपको समझ में आ गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग इस सिम कार्ड को नहीं बंद करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोग जेल भी जा सकते हैं इसके कारण, ठीक है। क्योंकि अगर इस सिम से कोई भी गलत उपयोग कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी का इस सिम से कोई बात कर रहा है कुछ गलत और वो गलत बात से आप पर FIR दर्ज कर दिया जाए तो आपको क्या होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह करके मैंने जिस तरह आपको वीडियो में बताया है आपको सही से आपको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको हमेशा हमेशा के लिए सिम कार्ड को बंद कर देना है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।